चोहे तो गाइस तो गाइस आज की वीडियो में क्या हम लोग इस वाले रैंडम लेयर चेंज के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी 100 लेयर चेंज। कुछ भी होता हर एक ब्लॉक होगा वो भी हमें 100 सर्वाइव करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ नेदरराइट ब्लॉक, इतने सारे ब्लॉक होंगे, इन सारे ब्लॉक से सर्वाइव करके हमें सबको तोड़ के सबसे नीचे जाना है स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर, और उसके बाद जाके हम लोगों को फाइनली 100 ड्रैगन को हराना है। तो गाइस तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग दोबारा खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर के अंदर। आपने जितने भी अभी प्यार दिखाना, आपने बिल्कुल यार कितना तगड़ा प्यार दिखाया लास्ट वीडियो में, जिसको देख के तो मैं पिघल ही गया। तो यस इतने देखते हुए इतने इंस्पायर होते हुए इस वाली वीडियो में भाई 100 डेज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं, 50 डेज का हम सर्वाइव करेंगे। तो वीडियो में भाई बने रहना एंड तक, अगर बने तो पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो डे वन से हमने काफी सारे पेड़ को काटे, सारी लकड़ियां तोड़ने के बाद हमने यहाँ पे फटाफट लकड़ियों को प्लैंक में कन्वर्ट किए। उसके बाद हमने क्राफ्टिंग टेबल बनाई, और क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद उसको प्लेक करके हमने फटाफट से अपने बेसिक टूल्स बना लिए। बेसिक टूल्स बनाने के बाद हमने क्या करा कि भाई हमारा जो पहला जो दिन है, जो पहला लेयर है वो हम तोड़ने लग गए, और ये पहले लेयर हमने नेदरराइट कर माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी पहले ही दिन। यहाँ पे लगातार एक दिन यहाँ पे मैंने काफी 2 ब्लॉक नेदरराइट के माइन किए। माइन करने के बाद भाई मैंने मुर्गी से पूछ रहा था, भाई देख मैंने 2 ब्लॉक माइन कर दिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे फटाफट हो बना दिया, क्योंकि तो हमने चाहिए था खाना, और खाना तो भाई पता ही है। तो यहाँ पे अत्रे ने बोला भाई मेरे को सीड मिल गई है, तो एक कप फटाफट एक को प्लांट कर देते हो। तो मैंने यहाँ पे हो बना, हो बनाने के बाद यहाँ पे फटाफट हमने सीड को प्लांट कर दिया है। सीड को प्लांट करने के बाद मैंने भाई यहाँ पे देखा भाई ये तो नीचे हमारा जो सेकंड लेयर है, देखो डे 2 तो हो चुका था, तो भाई हम सेकंड लेयर तोड़ सकते थे। तो सेकंड लेयर को जैसे ही हमने तोड़ा तो यहाँ पे देख सकते हो एक बोन का ब्लॉक मिला, और उस बोन को ब्लॉक को हमने बोन मिल में कन्वर्ट किया। बोन मिल के कन्वर्ट करके हमने फटाफट से वीट को ग्रो कर दिया, और ऐसे ही हम करते गए। काफी सारे वीट उगाने के बाद फाइनली हमने इस वर्ल्ड का पहला खाना बना लिया था, यानी कि ब्रेड बना ली थी, और उस ब्रेड को भाई खूब खाया हमने। और खाने के बाद भाई मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा माइनिंग करने लग गया, वो भी बोन मिल की। तो ये रहे छोटा सा सीन है बोन मिल माइन करने का। काफी माइन करने के बाद हम लोग फाइनली ऊपर आ गए, तो ऊपर आने के बाद हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे अब हम जितना हो सके सारे के सारे पेड़ उगाएंगे और उनको काटेंगे। तो ये रहा एक छोटा सा सीन। काफी सारे पेड़ काटने के बाद फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे जितने होते थे सारे के सारे पेड़ काटे, और यहाँ पे मैंने फाइनली एक चेस्ट बनाया, और उस चेस्ट से जितने सामान थे हमारे पास इन्वेंटर के अंदर फालतू थे जो कि अभी काम नहीं आने थे, तो उन सारे के सारे सामान को रखा। और रखने के बाद हम यहाँ पे अगली माइनिंग पे चले गए जो कि था ग्लोस्टोन। ग्लोस्टोन तोड़ने के बाद हमने यहाँ पे कोबल्ट ड्यूप्लेक्स का तोड़ने के बाद हमने फाइनली यहाँ पे टिक को लगा, और लगाने के बाद कोबल्ट ड्यूप्लेक्स लगा, और इससे हमने स्टोन के पिकेट बनाए। स्टोन के पिकेट बनाने के बाद हमने यहाँ पे जितना हो सके सारे के सारे ड्यूप्लेक्स को माइन करने का ट्राई किया, और ये रहा छोटा सा सीन। लगे आज हमने यहाँ पे साथ के साथ ग्रेवल को भी माइन कर दिया, और ग्रेवल को जैसे ही मैं माइन कर रहा था तो यहाँ पे ऊपर से एत्रे भी आ गया था, और एत्रे बोला भाई मैं भी तेरी हेल्प करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने और एत्रे ने काफी सारे ग्रेवल को माइन किया, और साथ के साथ यहाँ पे जो नीचे पैर रखा जो मकड़ी का जा रहा था हमने वो भी माइन किया। तो ये रहा एक छोटा सा सीन।
तो फाइनली मैंने काफी सारे मकड़ी के जाले माइन कर लिए थे। उनको माइन करके मैंने कितना हो सकता था चार का चार बूल बनाया। बूल बनाने के बाद मैंने बेड बना दिया ताकि हम लोग यहाँ पे जो नाइट है वो हम स्किप कर पाए, जहाँ पे जॉम्बी जो है वो हमें ना मार पाए। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने बेड बना लिया था। और ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे माइनिंग पे चला गया। माइनिंग पे मैंने यहाँ पे गोल्ड कोर देखे, जो कि हमने तो उनके भी मैं तोड़ेंगे लेकिन हमको मिलेगा नहीं, तो क्या ही करे यार, कितनी दुखी बात है। हमें आज इनका भी पिकेट नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, हमने गोल्ड का और थोड़ा। ये आप लोग कमेंट करके बताओगे कि ये कौन सा ब्लॉक होता है, तो आप लोगों को कमेंट करना है, बताना है, जिसका भाई आंसर सही होगा भाई उसको पिन कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे अगला हमने ब्लॉक थोड़ा यहाँ पे वाटरमेलन का, वाटरमेलन के साथ साथ हमने यहाँ पे नीचे जो डार्क का जो ब्लॉक था हमने उसको भी तोड़ा, और इसी के साथ साथ हमने कितने हो सकते थे सारे के सारे माइन कर लिए। अब इतना माइन करने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे एमराल्ड का और देखने को मिलता है यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है। ये ब्लॉक आपको पता है कि भाई कौन सा ब्लॉक है तो जरूर बताना, मुझे तो खैर पता नहीं अभी, तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं वॉल चोर कर रहा हूँ तो मैं भूल चुका हूँ कि कौन सा ब्लॉक था। तो यहाँ पे मैंने एमराल्ड का जो ओर है वो तोड़ा, और उसके बाद फिर यहाँ पे पर्पल का जो कॉन्क्रीट का था वो भी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे गए, और नीचे तो था ही लैपिट का ब्लॉक, और लैपिट का ब्लॉक जैसे हमने तोड़ा था भाई नीचे अपने को लावा देखने को मिल गया। तो मैं फटाफट से अस्त्रों को बुलाता हूँ कि बोलता हूँ भाई लावा आ चुका है नीचे, तो हम लोग फटाफट से नेदर के पोर्टल बना सकते हैं। तो भाई अत्रे आ गया, तो अत्रे के आने के बाद भाई यहाँ पे वो बोल रहा था भाई रत्ता मैं बना देता हूँ। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है तुम ही बना दो। तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे बुक चल्प मिल गई, जो कि मैंने काफी सारे माइन कर लिए। और माइन करने के बाद भाई अचानक से मेरे को यहाँ केक को माइन किया, तो मेरे को यहाँ पे फाइनली आयरन देखने को मिल गया। आयरन का और जितना हो सके सारे का सारे आयरन का और माइन किया। काफी सारे आ रहे हैं और माइन करने के बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल से काफी सारे पेंडेंट जो क्राफ्ट किए, क्राफ्ट करने के बाद इनको लगाए, और लगाने के बाद जितने हो सकते थे मैंने जितने भी आ रहे हैं के इंगट थे, जितने भी मैंने नीचे माइन किए थे उनको फटाफट स्मेल्टिंग पे लगा दिया। और इसी के साथ जितने भी आ रहे हो सकते थे जितने भी स्मेल्ट हो रहे थे सबके ले लिया, और लेने के बाद मैंने फटाफट से आ रहे का आर्मर बना लिया था। फाइनली अब जाके हमने यहाँ पे बकेट बनाई, और बकेट बनाने के बाद फाइनली अपने आर्मर को पहन लिया था। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे छोटा सा गोल कंप्लीट होता है आर्यन का आर्मर पहनने का। जैसे ही मैं मालिन पे जा रहा था मुझे पता लगता है भाई एत्रो को डायमंड मिल गया। मैं फटाफट से भागता हूँ और उसको बोलता भाई कहाँ डायमंड। जैसे ही मैं नीचे पहुंचता मुझे फाइनली डायमंड देखने को मिल जाते, और मैं फटाफट जितना हो सके सारे के सारे डायमंड को माइन कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे कम से कम 40 से ज्यादा डायमंड जो मैंने कलेक्ट कर लिए थे, और कलेक्ट करने के बाद मैं फटाफट से ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल पे गया, और क्राफ्टिंग टेबल को ओपन करने के बाद मैंने जितना हो सकते थे मैंने फटाफट से तारे तारे डायमंड का आर्मर बनाओ और डायमंड के टूल बनाओ, और ये रहा एक बढ़ गया था सीन। वीडियो को बस इतना ही रहता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो के लाइक करना, चैनल बने तो सब्सक्राइब करना, और हाँ ऐसे ही अगर वीडियो चाहिए तो आपको कम से कम नहीं तो 10 लाइक कंप्लीट कराने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप मैं यहाँ पे नया वीडियो लिंक करने वाला हूँ। तो यस, तो वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी वीडियो के लाइक करना, चैनल बने तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं यार किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।